आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत डायनामिक लिमिटेड, ये जो है एक पीएसयू है और ये पीएसयू आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय के अंदर की पीएसयू है, गवर्नमेंट की कंपनी है, तो ये गवर्नमेंट जॉब्स आपको यहाँ पर होने वाली है भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसके तरफ से अभी जो नोटिफिकेशन आउट की गई जिसमें कि यहाँ पर 300 प्लस पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पर आउट की गई है, जिसमें कि सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप आईटीआई होल्डर्स हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो भी अप्लाई कर पाएंगे, अगर आप लोग बीटेक या ग्रेजुएशन कर रखें तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सभी की मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो भी सारी अपडेट होंगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है। और बहुत सारे ऐसे नोटिस पीडीएफ जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल मिल जाती है, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया या कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में एक लिंक होगा उसको जैसे ही ओपन करोगे तो वहां पर आपको मिल जाएंगी। देख सकते हैं ये इसका फुल नोटिफिकेशन है और ये भारत डायनामिक लिमिटेड BDL के तरफ से आपको देखने के लिए मिल रही है, जिसमें कि बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट के लिए वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है, जिसमें डिप्लोमा, BBTech, ITR, ग्रेजुएशन सभी के लिए वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। इसको आप लोग यहाँ पर 24 जनवरी 2024 से लेकर के 14 फरवरी 2024 के बीच में आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद वॉक इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। ये जो है एक लार्जेस्ट PSU है, मिनी रत्ना कैटेगरी में आता है और ये आता है डायरेक्टली आपको डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में, रक्षा मंत्रालय के अंदर की ये वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपको ये गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ पर होने वाली है, जरूर से आप इसमें ट्राई कीजिएगा। इसमें जो भी पोस्ट है, प्रोजेक्ट इंजीनियर का पोस्ट है, प्रोजेक्ट ऑफिसर का पोस्ट है, प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट का है, प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट का है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट और प्रोजेक्ट ऑफिस असिस्टेंट, ये सभी के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है, जिसमें कि यहाँ पर अलग अलग जो पोस्ट है सभी कुछ मिला करके आपको यहाँ पर देख सकते हैं ग्रैंड टोटल में 136 और यहाँ पर आपको ग्रैंड टोटल में 142, तो यहाँ पर आपको जो टोटल पोस्ट की बात करें तो 361 यहाँ पर पोस्ट के लिए ये वैकेंसी यहाँ पर आउट की गई है। सभी वैकेंसी का यहाँ पर अलग अलग डेट है वॉक इंटरव्यू का, तो जो भी आपको यहाँ पर डेट है अलग अलग जो भी पोस्ट हैं उनके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी आपके लिए एलिजिबल हो, एप्लीकेबल हो, उसके अनुसार से आप यहाँ पर वॉक इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट की, तो इसकी जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स आपका होना चाहिए और अपर एज लिमिट जो है 28 यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो कैलकुलेशन का डेट है 14th February जो इसका लास्ट डेट है उसी के अनुसार किया जाएगा। इसमें आपको जो भी UR कैटेगरी और EWS कैटेगरी है उनके लिए 28 ईयर आपका अपर एज लिमिट है और अगर आपका एज 28 से ज़्यादा हो गया और आपके पास रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं आप तो इसमें कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जैसे कि SC ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर का, OBC कैटेगरी के लिए 3 ईयर का, PWD में अगर आप UR कैटेगरी में आएंगे तो 5 ईयर का, तो ये सभी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा अपर एज लिमिट में। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या मांगा गया, तो इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है अलग अलग यहाँ पर लगभग सभी ब्रांच के लिए इसमें वैकेंसी दी गई है, जहाँ की एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे प्रोजेक्ट इंजीनियर का जो पोस्ट है इनके लिए इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, केमिकल, इन्वायरमेंट और मेटलर्जी ब्रांच में अगर आप BBTech कर रखें तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं फर्स्ट क्लास 60% से अगर आप BBTech या BSc इंजीनियरिंग में 4 ईयर का यहाँ पर कोर्स कर रखें, या कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंटीग्रेटेड कोर्स MEMTech कर रखें जो 5 ईयर का होता है, जो जिसमें BBTech प्लस MEMTech साथ में हो जाता है, 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स बोलते हैं, तो अगर आप वो भी कर रखें तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओनली BBTech कर रखें तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा पोस्ट है इसमें आपको MBA क्वालिफिकेशन मांगा गया है, उसके बाद जो यहाँ पर भी आपको MBA, इसके बाद इसमें CA मांगा गया और यहाँ पर जो डिप्लोमा असिस्टेंट का पोस्ट है इसमें आपको 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया, जिसमें कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, मेटलर्जी, केमिकल, ये सभी ब्रांच से अगर आप कर रखें यहाँ पर डिप्लोमा तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिग्री कोर्स में यहाँ पर अगर आप कर रखे हैं तो भी अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पर आप अगर बिजनेस में कुछ कर रखे हैं तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ITI वालों के लिए अगर आप ITI कर रखे हैं रिलेवेंट ट्रेड में, जो कि यहाँ पर ट्रेड मेंशन है, इनमें से किसी भी ट्रेड में अगर आप ITI कर रखे हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक्स, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रो प्लांटिंग, कंप्यूटर, उसके बाद मिल राइट, उसके बाद डीजल मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, प्लम्बर, रेडियो मैकेनिक विथ NSE, ये सभी से अगर आप कर रखें तो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे ITI। और यहाँ पर दिया गया एक लास्ट में डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड कमर्शियल प्रैक्टिस, अगर आप ये कोर्स कर रखें यहाँ पर तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया कि आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, कैंडिडेट मस्ट पोजेस मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो भी है यहाँ पर दिया गया है, तो आपके पास यहाँ पर 1 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक पॉइंट में यहाँ पर लिखा गया कि 1 ईयर कंप्लीटेड अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी पॉइंट है कि 1 ईयर का जो भी अप्रेंटिस किए हैं उसको एज ए एक्सपीरियंस यहाँ पर
वैधता यानी कि वैलिडेशन दिया गया है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं, अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं आपके पास लेकिन अप्रेंटिसशिप कहीं पे किए हैं, तो आपको यहाँ पर एक ईयर का एक्सपीरियंस माना जाएगा। आप इसमें लगा करके आप ज़रूर से अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसकी सैलरी की, तो यहाँ पर जो अलग अलग पोस्ट है उनके अनुसार से यहाँ पर सैलरी डिसाइड किया गया है। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट इंजीनियर का पोस्ट है, इसमें आपको सैलरी जो है 39,000 तक मिलने वाली है। फर्स्ट ईयर में 30,000, सेकंड ईयर में 33, सेकंड उसके थर्ड ईयर में 36 और फोर्थ ईयर में आपको 39,000 पर मंथ यहाँ पर सैलरी मिलेगी। जो डिप्लोमा असिस्टेंट का है, फर्स्ट ईयर में 25,000 और लास्ट फोर्थ ईयर में आपको 29,500 ये आपको मिलने वाली है ये सैलरी। उसके बाद यहाँ पर जो ट्रेड असिस्टेंट है आईटी वालों के लिए 23,000 से स्टार्ट होगी और 27,500 ये आपको मिलेगी फोर्थ ईयर में। इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट में आपको ये मिलने वाली है कि 10,000 पर ईयर ये आपको दिया जाएगा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के तहत। और भी सारे जो अगर बेनिफिट इसमें दी जाएंगी तो आपको यहाँ पर मिलेगी। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अनुसार से एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को यहाँ पर रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन मिलने वाली है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर पाएंगे 24 जनवरी 2024 से लेकर के 14 फरवरी 2024 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे शाम के 5 बजे तक। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, क्लिक करके डायरेक्टली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसकी एप्लीकेशन फ़ी कितनी आपको पे करने होंगे, तो एप्लीकेशन फ़ी जो है 300 रुपये पे करने होंगे फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए, और 200 रुपये पे करने होंगे प्रोजेक्ट डिप्लोमा असिस्टेंट, प्रोजेक्ट ट्रेड असिस्टेंट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट और प्रोजेक्ट ऑफिस असिस्टेंट, ये सभी पोस्ट के लिए 200। और जो बीटेक वाले होल्डर्स हैं उनके लिए 300, जो डिप्लोमा आईटी वाले होल्डर्स हैं उनके लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पर पे करने होंगे अप्लाई करने के लिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी होंगे आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। अटैच या वर्क इंटरव्यू में आपको सेल्फ अटेस्टेड करके सर्टिफिकेट वहाँ पर आपको जमा करने होंगे। उसके बाद बात करें यहाँ पर वॉकिंग सिलेक्शन की, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग इंटरव्यू का यहाँ पर डेट है, अलग अलग वेन्यू है। तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो उसको यहाँ पर देखिएगा कि इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं और उसका क्या डेट है, उसका क्या वेन्यू है, तो यहाँ पर उसके अनुसार से आप विजिट कीजिएगा। तो जो भी अलग अलग ट्रेड है, अलग अलग पोस्ट है, उनके लिए अलग अलग यहाँ पर दिया गया, तो आप इसको यहाँ पर देख लीजिएगा। 8:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच में जो भी डेट यहाँ पर मेंशन है उस डेट को उस स्टेट और जो भी क्वालिफिकेशन है उसके साथ वहाँ पर आपको पहुँचना है। इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से यहाँ पर रखा गया, जो कि 75 मार्क्स जो है आपका यहाँ पर लिया जाएगा जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उससे। उसके बाद यहाँ पर 10 मार्क जो है आपका एक्सपीरियंस के लिए लिया जाएगा। एक ईयर का 3 मार्क मिलेगा, 2 ईयर का 6 मार्क और 3 ईयर का आपको 10 मार्क मैक्सिमम आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इंटरव्यू का जो मार्क्स है 15 मार्क का इंटरव्यू होगा, टोटल 100 मार्क्स का इसमें सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से वेटेज इसमें दिया गया है। अगर आप यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ोगे तो यहाँ पर ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो जो भी कैंडिडेट हैं ऑल इंडिया से कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं रखा गया। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑल इंडियन सिटीजन्स हैं जरूर से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं रखा गया। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा नोटिफिकेशन लिंक के नाम से, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सभी कुछ इसमें दिया गया। और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर से ज्वाइन होकर करिएगा। वहां पर आपको सभी लेटेस्ट नोटिस पीडीएफ मिलती रहती है और जो भी ऐसे नोटिस जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कर देता हूं या व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप चैनल में, तो जरूर से ज्वाइन होकर करिएगा। यहां से अगर आप ज्वाइन होगे तो कोई भी अपडेट मिस नहीं करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।